इंटीरियर टू द फुलेस्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है बेडरूम इंटीरियर एंड डेकोरेशन भी आप बोल सकते हो। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी पसंद का इंटीरियर अपने कमरे को कम से कम बजट में, या फिर हम बोल सकते हैं कि जीरो बजट में दे सकते हैं। हम बहुत से हम लोग होंगे जो अपने रूम को एक लैविश या एक ना किसी होटल से इंस्पायर होके, या टीवी या मूवीज में किसी बेडरूम से इंस्पायर होके हम वैसा एक लुक अपने बेडरूम को देना चाहते हैं। बट कभी कभी बजट आड़े आता है, कभी टाइम, या फिर बोलो दोनों चीजें ही हैं। बजट नहीं है तो फिर टाइम भी मैनेज नहीं हो पाता है, तो इसमें हम ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको मालूम पड़ जाए। और अगर कोई वीडियो है जो आप आगे जिस टॉपिक में देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर देखूंगी। और मेरे को इंस्टा में भी फॉलो कीजिए। आइए, जैसे मैंने कहा था कि कभी कभार टाइम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि लोग अपने कमरे का या घर का इंटीरियर नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। मैं ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगी कि आपको पूरा वीक या पूरा मंथ आपको देने की जरूरत नहीं है, झटपट कुछ घंटों में आपका काम हो जाएगा। तो इंटीरियर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, आप बेडरूम में कितना भी अच्छा इंटीरियर या डेकोरेशन कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर जो बेडरूम का अट्रैक्शन होता है, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है बेडिंग स्टाइल। अगर आपने अपना बेड का स्टाइलिंग अच्छे से नहीं करी है, या फिर आप अपने बेड में अच्छे स्टाइलिश ढंग से बेडिंग नहीं करते हो, तो आपके इंटीरियर कराने का या अच्छे से डेकोरेटिव पीस लगाने का, कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। सबसे पहला चीज जो हमारा है, आपको बेडिंग स्टाइल चेंज करनी है, और वो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। आप अपने जो पिलो का अरेंजमेंट का तरीका है वो थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्रिएटिव ढंग से रखिए। आप जो अपना वगैरह है उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से रखिए, और अपने बेडशीट पिलो जो भी होते हैं उनके को कोऑर्डिनेट कीजिए, कलर कोऑर्डिनेशन। दैट्स इट एंड योर वर्क इज डन। जो बेडिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लेडीज को सबसे ज्यादा पसंद होती है, भले वो टीनेजर गर्ल्स हो या वर्किंग वुमेन हो या कोई हाउसवाइफ ही चलो क्यों ना, वो है मिरर्स। तो हमारा दूसरा पॉइंट है मिरर्स। मिरर से जब मैं रिफर कर रही हूँ, इसका मतलब सिर्फ हमारा वैनिटी एरिया नहीं है। वैनिटी एरिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको वैनिटी एरिया में भी बहुत क्रिएटिविटी दिखानी होगी। ओवर द टॉप कुछ नहीं करना है, सिंपल सा रखना है। एक बड़ा सा अच्छा सा मिरर रखिए, और बहुत अगर आपको कुछ लाइट्स पसंद है, जो मुझे बहुत पसंद है, तो आप आजू बाजू लाइट्स लगा सकते हो। आप चाहो तो बॉर्डर भी दे सकते हो, गोल्डन बॉर्डर हो जाएगा तो बहुत प्यारा दिखेगा। ब्लैक बॉर्डर, ब्राउन, व्हाइट, आपकी चॉइस है। लेकिन जब हम रेफर कर रहे हैं मिरर्स, तो मिरर्स आपका एक स्पेस बना बड़ा दिखाने के लिए या एक क्रिएटिव शोपीस के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास स्पेस कम है, मतलब कमरा आपका छोटा है, तो आप मिरर्स यूज करिए ज्यादा से ज्यादा, तो आपका स्पेस भी ज्यादा दिखेगा और आपका लुक भी प्यारा आएगा। थोड़ा एक रॉयल टच जो आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। तो इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज में बोले, तो मिरर्स भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कमरे के इंटीरियर में। आपका स्पेस कम है, आप लंबे मिरर्स लगाइए, स्पेस बड़ा दिखेगा और साथ ही में लुक भी अच्छा लगेगा। बी इट रॉयल टच, कंटेम्प्रेरी, और जो भी आप थीम बेस्ड डिजाइन करना चाहते हो, आप बेड के पीछे भी मिरर्स लगा सकते हो, जहां भी आपका मन करे। अब जब बात हेडबोर्ड डिजाइनिंग की चल रही है, हेडबोर्ड मतलब बेड के पीछे की डिजाइन, और मिरर्स की बात चल रही है, तो यहीं पे हम तीसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, जो है हेडबोर्ड डिजाइन। हेडबोर्ड डिजाइन के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाई है, आप डिटेल में जानने के लिए वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। इसमें मैं एक शॉर्ट में डिस्कस करती हूँ, जिन हेडबोर्ड डिजाइन में हम पीछे अपने जो हेड बेड के पीछे वाला हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं हेडबोर्ड। और इसकी डिजाइनिंग भी आपके कमरे के लुक पे एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है, जिसमें हम हाई बजट से लेकर लो बजट तक बहुत सारी चीजें होती हैं,
जैसे कि हम पेंटिंग यूज कर सकते हैं, लाइट्स यूज कर सकते हैं, और जो उनको चाहिए ही नहीं हेडबोर्ड, वो लाइट्स हो गई, फेरी लाइट्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई, मिरर्स हो गई, बहुत से ऑप्शंस होते हैं मार्केट में। इवन कर्टन्स भी बहुत से लोग यूज करते हैं, वॉलपेपर्स बहुत से लोग यूज करते हैं, बहुत से ऑप्शंस है मार्केट में, आप अपने बजट और रेंज के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट चालू होता है, वो है कर्टन्स। जैसे मैंने कहा बेड के पीछे हेडबोर्ड की जगह कर्टन्स यूज कर सकते हो, वैसे ही कर्टन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ना ही सिर्फ विंडोज में, ना ही बेड के पीछे, आपके कमरे का लुक और साइज बताने में। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपका रूम का स्पेस कम है, डोंट गो फॉर लॉन्ग एंड बेबी कर्टन्स, लंबे और हैवी कर्टन से मत जाइए, रूम और छोटा दिखेगा। और आपका अगर रूम छोटा है तो कलर्स में भी ध्यान रखिएगा, लाइट कलर्स लीजिए, आपके रूम को थोड़ा बड़ा और दिखाएंगे, और थोड़ा लाइट ही भी लगता है, तो लाइट कलर्स की तरफ जाइए। अगर आपका रूम बड़ा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग मिरर, सॉरी लॉन्ग कर्टन, बेबी कर्टन, डार्क कर्टन, लाइट कर्टन, सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। सो या कर्टन इज ऑल्सो अ फैक्टर जो आपके रूम के लुक में बहुत डिफरेंस लाता है। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रिंटेड हो गए, प्लेन हो गए, बहुत अलग अलग मटेरियल के भी कर्टन आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के डिजाइन के भी आते हैं। सो गो एंड चूज जो भी आपका बजट है, जो भी आपका चॉइस है। अब जब हम बात कर ही रहे हैं रूम बड़ा और छोटा दिखने की, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा दूसरा पॉइंट भी प्ले करता है, वो है लाइट्स। लाइट्स एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे इंटीरियर को, पूरे मेहनत को हाईलाइट करती है या फिर बिल्कुल ही खत्म कर देती है, वो है लाइट्स। लाइट्स प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, इसपे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, फॉर डिटेल वहां जाके देखिए। अब जो हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये टोटली ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है। अगर आप नया कमरा बना रहे हो तो अभी यूज कर सकते हो, वो है वॉल ट्रीटमेंट्स। हाँ, अगर आपके पास बजट है तो भी आप ये कर सकते हो, आप नया वॉल कलर यूज कर सकते हो, या फिर वॉल ट्रीटमेंट्स आजकल बहुत अच्छे अच्छे चले हैं, वॉल पेपर यूज करा लो, क्रिएटिव आर्ट्स करा लो आप, टोटली अप टू योर चॉइस, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट ऑप्शनल। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए हो तो प्लीज कमेंट मी, और वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।